जोधपुर में 11 दिसंबर को सैकड़ों आदिवासी मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देकर जिले के मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सभी मजदूर बस स्टैंड से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिले में मनरेगा में पर्याप्त मजदूरी न मिलना व सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों के इलाज व सुविधाओं की मांग प्रमुख। आज जो है सबसे बड़ा मानवता के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष में यहाँ के अलीराजपुर जिले के स्थानीय संगठन खेडूत मजदूर चेतना संगठन के माध्यम से जिले के पूरे समस्याओं को, जिले के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के समस्याओं को लेकर यहाँ पर हम पूरा कलेक्टर साहब से हम चर्चा करने आए कि ताकि हमारे गांव की समस्या सिलिकोसिस एक बहुत बड़ी जो पूरे विश्व लेवल की एक बड़ी समस्या है जो मजदूरों को लेकर। दूसरा, यहाँ पर भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 100 दिन काम देने की जो वादा किया और उसमें से भुगतान करने का जो 16 दिन में बोला, आज तक 2 साल हो गए, उन लोगों को, किसानों तक आज तक वो राशि नहीं पहुंचा। मांग इस तरह की कि हमको 100 दिन काम दिया जाए और उसमें 16 दिन के बाद उसका मजदूरी भुगतान तत्काल किया जाए और 90 दिन कार्य पंचायत में करने के बाद उसका कर्मकाल मंडल में जुड़ा जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनका फायदा जो जितना दिया गया गवर्नमेंट स्कीम है वो नहीं मिल पा रही 100 दिन काम ना मिलने से। मजदूरों के धरना के चलते खंडवा बड़ौदा राजमार्ग काफी देर तक जाम रहा। एडीएम के आश्वासन के बाद ज्ञापन सौंप कर प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त किया।